What is protocol? Now explain. Listen to me. How to do that? We have element set up ozone depletion substances. So need for some specific rules, guidelines, objective setup and a specific target बनाने के बाद जो वर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं. इसमें मेन चीज क्या निकल के आया? प्रोटोकॉल मीन्स स्पेसिफिक क्या? गाइडलाइन. स्पेसिफिक गाइडलाइन. दूसरा ऑब्जेक्टिव. तीसरा टारगेट. ये हो गया क्या? हमारा प्रोटोकॉल हुआ. व्हाट इज ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट? तो ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट में एक बात साफ रहता है कि जिस किसी व्यक्ति को हम बस थोड़ा सा फ्रीडम ही दिया, उसको कठोर गाइडलाइन, ऑब्जेक्टिव और टारगेट नहीं दिया. फिर हमने कहा, थोड़ा बहुत ही कहा कि देखो तुम चाहे जो कुछ भी करो पर तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा. उसको हम क्या कहते हैं? टारगेट ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं. चलिए अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो मानिए सबने कहा कि हाँ 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 हम चलो कन्वेंशन किए कि हमें क्या करना है, इस ग्रुप में रहकर हमें काम करना है. परंतु बाद में कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं कहे थे, किसी ने जबरदस्ती जोड़ दिया हमें इस ग्रुप में, कन्वेंशन में हमें जबरदस्ती जोड़ दिया, तो इससे काम नहीं चलेगा. जैसे एक हमें याद आ गया हमारे कॉलेज की बात में, व्हाट्सएप ग्रुप हम नया नया फोन लिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना था, बिना कहे कोई भी व्यक्ति हमको किसी ना किसी ग्रुप में जोड़ देता था और बाद में कहता था कि हम आपको ये काम दिए थे, आपने किया क्यों नहीं. तो बिना पूछे तो आपने हमें ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया, तो फिर हमारा मन ही नहीं है उस ग्रुप में रहने का, और तो हम वो काम कैसे करेंगे. तो सेम चीज यहां पर यही बात निकल के आया कन्वेंशन में कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि नहीं हम जबरदस्ती जुड़ गए, हम अपना टारगेट पूरा नहीं करेंगे. इसलिए जब कन्वेंशन होता है तो उस कन्वेंशन में जितने भी मेंबर उपस्थित रहते हैं उन प्रत्येक मेंबर को यह कहा जाता है कि जिसको ये ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट में आना है, जिसे कन्वेंशन में जो व्यक्ति बैठा है उसको क्या करना है, पहले भाई जिसको जिसको ज्वाइन करना है एक ग्रुप, पहले हाथ खड़ा करो. हाथ खड़ा कर दिया, उसके बाद कहा कि नहीं अब हाथ खड़ा करने से ही काम नहीं चलेगा, आप आइए और यहां पे साइन कीजिए. और वो व्यक्ति आता है और उस कन्वेंशन में बैठकर साइन करता है. साइन कर दिया, यहीं पर बात खत्म नहीं होता है. साइन करने के बाद कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि किसी देश के लोगों ने कहा कि वो कौन व्यक्ति था जो साइन किया, हम उसे पहचानते ही नहीं है. उसको इनकार कर देता है कोई कंट्री कि नहीं नहीं जो व्यक्ति गया था वो फर्जी, अपना यहां का सब ले होकर गया था, हम नहीं जानते वो कौन सा व्यक्ति है, हम उसके साइन को नहीं मानते हैं. इसलिए कन्वेंशन में तय होता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इस सिग्नेचर किए हुए डॉक्यूमेंट को आप लेके जाइए अपने देश में और वहां के जो सोवरेन बॉडी है, सोवरेन बॉडी से आप साइन कराकर लेकर आइए. जैसे यूएस में अगर बात करें तो वहां पे कौन होता है सोवरेन बॉडी? प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट से साइन करा के लाना होगा. और हमारे भारत में तो सोवरेन बॉडी हमारा पार्लियामेंट है, इसलिए हम जो भी ट्रीटी वगैरह पे साइन करते हैं तो कहां से हमें पास कराना पड़ता है? हमें पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है. समझ गए यहां पे? और जो व्यक्ति साइन करा के अपने पार्लियामेंट, उस देश का जो भी सोवरेन बॉडी है उससे साइन करा कर लेकर आया, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस डॉक्यूमेंट को हम रेटिफिकेशन बोलते हैं. उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस साइन किए हुए डॉक्यूमेंट को हम रेटिफिकेशन बोलते हैं. अब यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है
रेटिफिकेशन और साइन में स्टूडेंटों को रेटिफिकेशन और साइनिंग, रेटिफिकेशन और साइनिंग में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहां पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। साइनिंग मतलब जब कन्वेंशन में आप बैठे, जब आप कन्वेंशन में बैठकर उस कंट्री का जो व्यक्ति साइन किया तो साइन तो वहीं पे हो गया, जो साइन हुआ वहां पे उसी को हम साइन कहते हैं। और जो व्यक्ति ये साइन किया हुआ, ये मेंबर, ये कहां गया? अपने कंट्री में गया। और कंट्री में जाने के बाद उसका जो सोवरेन बॉडी थी, जैसे हमने कहा भारत में हमारा पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी है, और अलग कंट्री में वहां का जहां पे पार्लियामेंट है वो वहां का पार्लियामेंट है, जहां पे नहीं है उनका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ही उसको पास करता है। उस पास किए हुए चीज को हम रेटिफिकेशन कहते हैं। तो यहां पे नो कंफ्यूजन, ऑल पीपल आर अंडरस्टूड, ओके। और इसी के अंदर हमारा क्या आ गया, रेटिफिकेशन के अंदर ही हमारा आ गया कन्वेंशन, ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल, ऑल आर अंडर द रेटिफिकेशन। इसी के साथ आज की चर्चा हमारी यहीं पे रुक जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।